नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फर्स्ट इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका पूरा नाम है लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 25 जून 1900 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1979 में आयरलैंड में हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के आखिरी वायसराय थे और आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश नेवी ऑफिसर के रूप में की थी और इन्होंने जल्द ही एडमिरल ऑफ फ्लीट की पद को हासिल किया। इसके बाद उन्हें वायसराय बनाकर भारत भेज दिया गया। यह आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फर्स्ट सी लॉर्ड एंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इन ब्रिटिश रॉयल नेवी में के पद पर भी इन्होंने काम किया। धन्यवाद।